अगर पार्टी के साथ काम करते हैं तो हर राज्य में सिर्फ एक पार्टी के साथ काम करते हैं। अगर उड़ीसा में देखा जाए आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले तो किसको पहले अप्रोच करेंगे? ऐसा जैसा कुछ डेटा बेसिस हम लोग अप्रोच नहीं करते हैं, इनसाइट सबके साथ शेयर की जाती है और वो शेयर करने के बाद में जो भी पार्टी इच्छुक होती है काम करने के लिए जो कन्विंस हो जाती है उनके साथ उनका हेल्प करते हैं। तो वोटर अब जो कन्विंस कराते हैं करते हैं आपका जो टीम, उसका तरीका क्या है? हम लोग एक थर्ड पार्टी, देखिए कैंपेन हमेशा तीन तरीके के होते हैं। एक कैंपेन होता है जो पार्टी का कैडर खुद करता है, दूसरा कैंपेन होता है जो थर्ड पार्टी पॉजिटिव कैंपेन होता है जो पॉजिटिव प्रोपोगेंडा होता है, और थर्ड टाइप का कैंपेन होता है जिसमें थर्ड पार्टी नेगेटिव प्रोपोगेंडा होता है। हम लोग सेकेंड टाइप का कैंपेन मैनेज करते हैं जो थर्ड पार्टी पॉजिटिव कैंपेन प्रोपोगेंडा होता है। हम एक पूरी टीम डिप्लॉय करते हैं जो बूथ पे हाउस डोर टू डोर जाके और डिफरेंट मीडियम से, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, चाहे वैन हो, चाहे मेहंदी एक्टिविटी हो, चाहे विमेन कनेक्ट प्रोग्राम हो, चाहे यूथ कनेक्ट प्रोग्राम हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का क्या बोलते हैं इसका मशीन का, ईवीएम मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन हो, चाहे जो छात्र नेता हैं उनको लाकर कुछ उनसे बात करवानी हो, चाहे टीचर्स को कनेक्ट करना हो, चाहे सरपंचों को कनेक्ट करना हो, चाहे रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज करना हो, इस तरह के प्रोग्राम करके हम उस पार्टी या उस कैंडिडेट को प्रोपोगेट करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो को लोगों तक पहुंचाते हैं। कुछ कुछ में जैसे आपने पुराने पहले गाने सुने होंगे जैसे चलत मुसाफिर मोहली और पेड़ के नीचे चार लोग गाना गा रहे हैं, हम कुछ गाने तैयार करते हैं जो वहाँ पे लोकल फोक सिंगर्स से हारमोनियम तबला ढोलक लगा के गाना गवाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो साइकिल पे गाना गाते हुए चलते हैं, तो ये एकदम नेचुरल न्यूट्रल कैंपेन होता है और धीरे धीरे फिर वो लोगों के दिमाग को, लोगों के वोटिंग को इन्फ्लुएंस करता है। आप जनाधार जैसे कम ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे कितना ऑर्गेनाइजेशन ओडिशा में काम कर रहा है? देखिए एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, और अभी क्योंकि इस बार 2019 में लोकसभा इलेक्शंस भी हैं तो और हमारी जैसी कंसल्टेंट और एजेंसीज बहुत कम है नंबर में, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है यहां पर 6 से 7 कंसल्टेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। पहले जो 14 का बता रहा हूँ लास्ट इलेक्शन में ऐसे कोई कंसल्टेंसी काम किया था? पहली बार ओडिशा में इंटरनेशनल हुआ था, इतने वास्ट स्केल पे पहली बार हुआ है जहाँ पर हम खुल के बात कर रहे हैं, आज हम अनाउंस करके बात कर रहे हैं। पिछली बार भी कुछ लोग काम किए थे जो कि एक ही पार्टी के लिए काम किया था, और पहले पॉलिटिकल कंसल्टेंट और इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट इतना बड़ा प्रोफेशन नहीं था, लोग नहीं जानते थे इस बारे में। अब चूंकि प्रशांत किशोर जी और मैं खुद और हमारे जैसे और भी जो लोग हैं अब धीरे धीरे लाइमलाइट में आने लग गए हैं, लोग हमें जानते हैं और लोग पहचानते हैं कि उनकी जरूरत है कि वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट और स्ट्रेटजिस्ट को हायर करके अपने इलेक्शन में हेल्प लें। अब क्या सोचते हो ये इम्पैक्ट वोटर के ऊपर आएगा, असर पड़ेगा कुछ करने के लिए इस कंसल्टेंसी जो आप थ्रू में जो काम करेंगे? हाँ जी, तो जो भी काम, क्योंकि जब हम कैंपेन डिजाइन करते हैं वो एक एनालिसिस के बाद, परसेप्शन स्टडी के बाद करते हैं। कैंपेन का हर कम्युनिकेशन डिजाइन किया जाता है इन अ वे दैट वो आपके इशू को, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के कोर इशू को, कास्ट इक्वेशन को, सिचुएशन को एड्रेस करता हो। जो उसका वोटर का पल्स है, वोटर जो सुनना चाहता है वही हम उसको सुनाते हैं, तो ऑब्वियसली इससे 15 से 20% 30% का इजाफा होता है अभी तक जो मैंने पिछले अपने 6-7 साल के करियर में देखा है। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि वेव एकदम से चेंज हो जाती है, जो 2014 में हमने देखने को मिला, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि इस तरह की रणनीतियां काम होती हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ले, चाहे बीजेडी ले, चाहे बीजेपी ले या एक कैंडिडेट ले, लोग जीतते हैं अगर वो अपना कैंपेन डिजाइन करते हैं बेसिस ऑन डेटा एनालिसिस और राइट वोट पल्स, वोटर का पल्स। ओडिशा का वोटर क्या बोल रहे हैं? ओडिशा का वोटर बहुत खुश है सरकार के काम से, लेकिन वो थोड़ा सा बदलाव चाहता है। ये बदलाव सरकार के रूप में नहीं है, ये बदलाव लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे है। तो अगर कहें तो इस बार जो इलेक्शन ओडिशा में होंगे वो स्टेट लेवल पे नहीं होंगे, वो नवीन जी वर्सेस बीजेपी नहीं होंगे या कांग्रेस नहीं होंगे, इस बार लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी पे
एमएलए वर्सेज कैंडिडेट वर्सेज एमएलए कैंडिडेट कंपेयर टू अदर वोटर्स उड़ीसा का हालत कैसा है डिजिटली हाउ दे आर कनेक्टेड हाउ दे आर स्मार्ट नहीं हाँ सो उड़ीसा डिजिटली बहुत उड़ीसा नहीं इंडिया के काफी स्टेट्स ऐसे हैं जो डिजिटली बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर अभी रिसेंटली स्मार्टफोन कुछ रूरल एरियाज में फार्मर्स को मिला है लेकिन फिर भी डिजिटल कनेक्टिविटी उतनी नहीं है मैंने खुद देखा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज तक 500 रुपए का नोट भी नहीं देखा है कुछ लोग ऐसे हैं जो फोन अपना ऑन ही तब करते हैं जब उनको किसी को कॉल करना होता है या कोई कॉल आने वाला होता है बिकॉज उनका बिजली खर्च होता है जो स्टडी रिपोर्ट बता रहे हैं आप कितना दिन का स्टडी रिपोर्ट है ये हमने 2 महीने लास्ट दिसंबर से जनवरी 21st को हमने कंप्लीट यू हैव योर प्रॉपर टीम टू सर्वे एंड यस सो देयर वर 130 गाइस वर्किंग ओके फाइन थैंक यू